Good morning, student. Welcome our Ravi sir physics classes. Dear students, last and final dimensional equation lecture. And today we are discuss conductance dimensional equation, electric field dimensional equation, electric flux, electric dipole moment, energy density, and then we are discuss uses of dimensional equations. Okay, dimensional equation जो हम पढ़ रहे हैं इनके क्या-क्या uses हैं उनको भी हम discuss करेंगे next lectures में. अब हम जो बची हुई last जो dimensional equations हैं कुछ physical quantities हमारी रह गई हैं उनको solve कर लेते हैं, उनकी dimensional equation को solve कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इनके uses देखेंगे कि इसके uses क्या हैं, dimensional equation physics में क्यों पढ़ाई जा रही. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था ये, लास्ट लेक्चर है ये, पार्ट 6 है. ओके, पार्ट 6 में हमारे पास है फर्स्ट कंडक्टेंस. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस? 1 अपॉन रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज, यस और नो, एंड इलेक्ट्रिक करंट, करंट इज अ फंडामेंटल यूनिट, क्लियर. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट, तो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे. जो रेजिस्टेंस की डायमेंशनल इक्वेशन है उसको जस्ट हम 1 अपॉन रेजिस्टेंस मींस इनवर्स कर देंगे. जो भी हमारी रेजिस्टेंस की, जो भी रेजिस्टेंस की हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन आएगी उसको अपोजिट कर देंगे तो वो बन जाएगी किसकी, कंडक्टेंस की, क्लियर. और इस रिलेशन से ये भी क्लियर हो रहा है कि किसी भी मटेरियल का या मेटल का या किसी भी मेटल का अगर रेजिस्टेंस ग्रेटर देन है इट मींस उसका कंडक्टेंस क्या है, डिक्रीज हो रहा है. ये डिस्कस करेंगे, 12th में है ये. ओके, अब यहां पर हमें डायमेंशनल इक्वेशन सॉल्व करनी, और जो मैंने क्वेश्चन दिया था पार्ट 5 में बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट, बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर निकाला, कमेंट किया है, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, और सही भी किया, क्लियर है. आज भी आपको मैं एक डायमेंशनल इक्वेशन इनमें से चूज करके दूंगा, उसको सॉल्व करना है, ठीक है, और कमेंट करके बताना. चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने साथियों से जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं. इस पे कंप्लीट सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलने वाला है, ठीक है, और कुछ एक्सपेरिमेंट भी मैं लेके आऊंगा, घरेलू एक्सपेरिमेंट जो हम घर पे ही कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रो ये जो आपके 11 से रिलेटेड और कुछ 12 से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट. ओके, तो चैनल को लाइक कर लो, ठीक है, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो जिन्हें नहीं किया है, जिससे मैं जो भी वीडियो या नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. कंडक्टेंस, तो पोटेंशियल अपॉन करंट. अच्छा, पोटेंशियल की या तो आपको डायमेंशनल इक्वेशन डायरेक्ट याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर पोटेंशियल को भी हम ब्रेक कर सकते हैं. पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल का फार्मूला बेटा, तो यहां पर पोटेंशियल का फार्मूला इधर मैं साइड में लिख देता हूं, v इज इक्वल टू द वर्क अपॉन चार्ज, यस और नो, और वर्क अपॉन चार्ज है, वर्क की डायमेंशन इक्वेशन और चार्ज की डायमेंशन इक्वेशन याद नहीं है तो वर्क को भी हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे आगे फॉर्मूले में. लेकिन मैंने कहा था कि डायमेंशनल इक्वेशन में फोर्स और वर्क दो ऐसी डायमेंशन इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि मोस्टली फॉर्मूले यही बना रही है. तो भाई वर्क को, वर्क की डायमेंशनल इक्वेशन क्या थी बताइए, शाबाश, हां हां मन में बोल रहे हो, बोलो, m1 l2 t-2, वेरी गुड, एंड चार्ज की a1 t1. ओके, ये किसकी किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं हम डायमेंशनल इक्वेशन, पोटेंशियल की, फिर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, तो यहां से आपके पास रिजल्ट आएगा m1, वेरी गुड, l2 t1 है, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में जाएगा, t-1 हो जाएगा, t-2 पहले से है, पावर्स ऑलवेज ऐड और a-1, ये पोटेंशियल की डायमेंशनल इक्वेशन हमने सॉल्व कर रखी है, नोट्स में आप देखना. और अपॉन करंट करना है तो करंट मींस a1 अपॉन में, यस और नो, a1 भी ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में चेंज होगा, तो m1 l2 t-3 a-2, ये किसकी डायमेंशनल इक्वेशन आ गई, रेजिस्टेंस, क्लियर.
अब वन अपॉन रेजिस्टेंस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंडक्टेंस। तो जो भी पावर्स यहां पर आई है उनका साइन चेंज करना है क्योंकि इनवर्सली है, दोनों में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो यहां पर आपके पास कंडक्टेंस के लिए आपके पास डायमेंशन इक्वेशन आएगी, सी को अपोजिट कर देंगे, एम यहां पर प्लस का वन है तो हो जाएगा माइनस वन, एल प्लस का टू है तो माइनस का टू, टी माइनस का थ्री है तो प्लस का थ्री, एंड ए प्लस टू। क्लियर है? अरे यस और नो? तो ये आपके पास डायमेंशन इक्वेशन आ गई किसकी, किसकी डायमेंशन इक्वेशन आ गई, कंडक्टेंस। किसकी है? कंडक्टेंस। ओके, अब यूनिट यहां से कैलकुलेट करें, वन अपॉन ओम, वन अपॉन ओम यूनिट बाय वन अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज ओम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम बोलते हैं मोह। क्या बोलते हैं? मोह। कुछ बुक वाले इसको बोलते हैं मोह। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स की डायमेंशन इक्वेशन हमने सॉल्व कर रखी है, फोर्स कौन सा भी हो फिक्स है, हाँ जी। तो क्या जाएगा, यहां कर देते हैं इसको, हाँ जी। पहले फोर्स की यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो न्यूटन, चार्ज ही कूलम, वन लाइन में लिखे तो न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स, न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स। अब डायमेंशन इक्वेशन फोर्स की बताओ भाई, न्यूटन मीन फोर्स, और मैंने कहा था फोर्स की डायमेंशन इक्वेशन डायरेक्ट याद रखनी है। तो क्या जाएगा, एम वन एल वन टी माइनस टू, एंड चार्ज के लिए बेटा चार्ज कूलम इनवर्स है तो इन्वर्स कर देंगे, वैसे तो होता है ए वन टी वन, लेकिन यहां हो जाएगा ए माइनस वन टी माइनस वन। यस और नो? ओके, अब इसको जो भी है कैलकुलेट करके लिख देते हैं, कितने एम है, तो एम वन ही है, एल वन है, टी माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री, एंड ए माइनस वन, कंबाइन करके लिख दिए इसको। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाइ ई। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय कैपिटल ई, कंडक्टेंस डिनोटेड बाय कैपिटल जी। क्लियर? सो सॉल्व करेंगे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायमेंशनल इक्वेशन दिस, यस और नो? एंड एरिया की जो डायमेंशनल इक्वेशन वो कंबाइन करनी इसमें, तो क्या आ जाएगा भाई, इसी को सोल्व करें तो यहां पे, यहां से सोल्व कर रहे हैं इसको, तो आ जाएगा आपके पास एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया, एरिया मीन्स एल टू, और एरिया मीन्स एल टू लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड। सोल्व करो भाई वन लाइन में, सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अरे यस और नो? दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड फॉर्मूला इज चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज डायमेंशनल इक्वेशन, चार्ज यूनिट इज कूलम इनटू लेंथ इज मीटर, कूलम इनटू मीटर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, सो फॉर्मूला डायमेंशनल इक्वेशन इज चार्ज इज ए वन टी वन एंड लेंथ इज एल वन, सो रिजल्ट इज एम जीरो, मास इज एब्सेंट इन दिस फॉर्मूला, मास इज एब्सेंट सो एम जीरो, एल वन टी वन एंड ए वन। क्लियर? तो ये डायमेंशन इक्वेशन किसकी आ गई बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अरे यस और नो? डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला कमेंट करके लिख के बताना, कमेंट करके लिख के बताएंगे डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला, मैंने करवा दिया स्टार्टिंग में। ओके, सो एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी मींस वर्क, वर्क का मैंने कहा था डायमेंशन इक्वेशन डायरेक्ट याद रखना, ऐसा यूनिट बनाओ, पहले यूनिट, यूनिट बताओ भाई, एनर्जी यूनिट इज जूल एंड वॉल्यूम मीटर क्यूब, सो रिजल्ट इज जूल इनटू मीटर इनवर्स। यस और नो? डायमेंशन इक्वेशन बनाएंगे, हाँ जी। एनर्जी मैंने कहा था, एनर्जी ही वर्क है और वर्क ही एनर्जी है। ओके, तो वर्क के डायमेंशन इक्वेशन एम वन एल टू टी माइनस टू डायरेक्ट याद रखना है, बताया था, एंड वॉल्यूम एल माइनस थ्री। क्लियर है? कंबाइन करो भाई, कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा एम वन या एल प्लस टू और या एल माइनस थ्री, तो रिजल्ट क्या आएगा, पावर सॉल्वेज एड एल माइनस वन आ जाएगा, थ्री में से टू जाएगा तो, और यहां से टी माइनस टू, तो रिजल्ट इज एम वन
L minus 1, T minus 2. Clear? Next is, okay, clear? Energy density clear? Okay, हाँ, अब ये जो dimension equation हम पढ़ रहे हैं, इन dimension equations के क्या uses हैं, वो discuss करेंगे, बहुत important topic आएंगे आगे, ठीक है, ये dimension equations मैंने कुछ करवा दी है, जो रह गई है, वो हम जैसे जैसे topic पढ़ेंगे, सभी की dimension equations solve करते हुए चलेंगे, एक बार दोबारा से, ओके, तो इसमें dimension equation में, मैंने 6 lecture लगाए, तो 6 के 6 में आपको ये देखना है कि important क्या है, important है इनकी formula, इंपॉर्टेंट क्या है इनके फॉर्मूले अगर फॉर्मूले याद है तो डायमेंशन इक्वेशन और यूनिट बनाना इजी है यस और नो करेक्ट ओके एंड नेक्स्ट इज टॉपिक आएगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में यूजेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस थ्री यूजेस है इसके डायमेंशन इक्वेशन के थ्री यूजेस फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला जो हम डेराइव कर रहे हैं जो भी ड्राइव होगा वो सारे फॉर्मूले बेस्ड है डायमेंशन इक्वेशंस ओके फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है उसको भी हम सॉल्व करेंगे डायमेंशन इक्वेशंस से यस और नो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू